वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां जबलपुर में आरटीओ संतोष पाल के उखरी विजयनगर स्थित घर पर ईओडब्ल्यू के अधिकारियों द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में दबिश दी गई है। आरटीओ संतोष पाल की लंबे समय से शिकायत की जा रही थी। संतोष पाल अपनी ऊंची पहुंच के चलते कई वर्ष से जबलपुर में पोस्टिंग था, साथ ही इनकी पत्नी भी जबलपुर आरटीओ कार्यालय में पदस्थ थी। ये कल रात में लगभग 10:30 बजे यहाँ पर शताब्दीपुरम में इनके निवास स्थान पर जबलपुर और सागर की ईओडब्ल्यू की टीम, संयुक्त टीम के द्वारा सर्च कार्रवाई प्रारंभ की गई है। मौके पर अभी सर्च कार्रवाई जारी है। मौके से जैसे ही टीमें लौटती हैं और उसके बाद जो भी दस्तावेज या निवेश की जानकारी मिली है उसके आकलन के बाद इसके बारे में अंतिम जानकारी बताई जाएगी। फिलहाल अभी तो जांच में आया था कि शिकायत आई थी, इसका सत्यापन कराया गया था। वो शिकायत सत्यापन पर ये पाया गया था कि जो इनके और इनकी पत्नी के आय के वैध स्रोत हैं उसकी तुलना में लगभग 650% संपत्ति इनके द्वारा अर्जित की गई है और व्यय किया गया है। उसके आधार पर जो है आय से अधिक संपत्ति का मामला पाए जाने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण पंजीबद्ध करने के उपरांत इनके निवेश और संपत्तियों की जानकारी को जुटाने के लिए माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके सर्च कार्रवाई कल रात में तीन टीमों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर शुरू की गई है, जो मौके पर भी जारी है। सर कुछ गहने, सोने के गहने, चांदी? हाँ मिला है, सोने के चांदी गहने मिले हैं, कुछ कैश मिला है। इसके अभी इसका वैल्यूएशन करा रहे हैं, वैल्यूएशन के बाद इसका अंतिम निर्णय लेंगे। सर मासिक सैलरी क्या है जो वैध स्रोत थे उससे, उसकी तुलना में 650% व्यय संपत्ति होना पाया गया। जो शिकायत के गोपनीय सत्यापन के दौरान जानकारी प्राप्त हुई थी उसमें लगभग इनके कुल 6 आवासीय मकान यहाँ होना पाया गया, जिसमें कि एक मकान जिसमें कि अभी सर्च कार्य चल रही है वह शामिल है और एक फार्म हाउस चरगवा रोड पर होना पाया गया है, एक 4-पहिया वाहन और 3-2-पहिया वाहनों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है और बाकी अभी सर्च के दौरान कई संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं जिसका विश्लेषण और अध्ययन किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां थाना डबरा पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। आपको बता दें कि आरोपी द्वारा शादी की विवाद पर घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपी ने दुष्कर्म कर लड़की को मौत के घाट उतारा। मृतका ड्यूटी जाने के लिए घर से निकली थी, जो बीच रास्ते से ही गायब हो गई थी। पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। गुमशुदगी की सूचना हमको 15 अगस्त को मिली थी कि 14 अगस्त को 9 बजे सुबह वो बेमित्रा जाने के लिए खैरमुड़ा से निकली थी। 15 अगस्त को इसकी सूचना दर्ज कराई गई। 15 अगस्त के बाद उसकी मेरे जांच पड़ताल में लिया गया, पता तलाश की जा रही थी। 16 तारीख को हमको एक उसका फुटेज मिला था और वो संदेही लड़का शंकर लाल के बारे में जानकारी मिली थी, जो सुखदा का रहने वाला है। सुखदा के उस संदेही शंकर लाल से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि वो लड़की को भ्रम में डाल के उसको बुलाया और उसको ले जाके खरसिया ले गया, खरसिया से उसकी स्कूटी पे उसे बैठा के पलगड़ा जंगल के अंदर ले गया वो, और वहाँ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। शादी के बाद पर विवाद हो जाने पर उसकी हत्या कर दिया और स्कूटी लाकर उसको वापस खरसिया रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया गया था। और उसी लड़के ने पर से वो उसकी स्कूटी बरामद हुई है। लड़के को इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है और धारा 364, 376, 302, 201 भारतीय दंड संहिता के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया गया। खबर आ रही है संभल से, जहां नगर के संभल रोड स्थित गोल्डन पब्लिक स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कोतवाली प्रभारी पंकज लावनिया ने फीता काट कर किया। वहीं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे कृष्ण राधा की वेशभूषा धारण कर बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मानो प्रतीत हो रहा हो कि मथुरा से श्री कृष्ण राधा ने बहजोई नगरी में आज साक्षात दर्शन दिए हो। खबर आ रही है हरदोई से, जहां विकास खंड माधवगंज के नगर पंचायत कुरसठ के द्वारा कई विद्यालयों के बच्चों में प्रतियोगिता कराकर उनको पुरस्कृत व सम्मानित किया गया। आपको बता दें चले कि नगर अध्यक्षा व अधिशासी अधिकारी देवांशी दीक्षित के द्वारा ज्योति जूनियर हाई स्कूल कुरसठ हरदोई व वीएस पब्लिक इंटर कॉलेज एवं नगर विकास इंटर कॉलेज के बच्चों में प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसमें विषय अलग अलग रखे गए थे। जिन बच्चों ने प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया उन बच्चों को पुरस्कृत किया गया। ये थी इस वक्त
वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।